नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभ्यर्थियों ने फिर घेरा केशव प्रसाद मौर्य का आवास, नहीं हो सका है मुलाकात। भाजपा का रवैया सामाजिक न्याय विरोधी, ये प्रियंका गांधी कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो जहां पे सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाए के बाद एक बार फिर नत्तजा शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन तेज कर दिया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने लखनऊ हाईकोर्ट के डबल फैसले का पालन न करने पर नाराजगी जताई। अभ्यर्थियों ने कहा, हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार ने जानबूझ कर लटका दिया, इससे मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं महेंद्र पटेल व विजय यादव ने कहा, 2 सितंबर को भी केशव प्रसाद मौर्य का आवास का घेरा होगा। वहीं सरकार कह रही है 3 महीने का समय दिया था, लिस्ट इतनी तेजी से तो बन नहीं पाएगी, काम चल ही रहा था जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो क्या किया जा सकता है। भाजपा का रवैया देखते हुए अब प्रियंका गांधी भी इसमें बयान दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सारी भर्ती अब हमारी देखरेख में होगी। 2017 से पहले संभव नहीं थी पारदर्शी भर्ती है, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने कहा, पहले भर्ती शुरू होते ही नियुक्ति की सूची बन जाती थी और वसूली शुरू हो जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 647 वन रक्षक, वन जीव रक्षक और 41 प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया। यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 7.5 वर्ष में 210 करोड़ पौधारोपण हुआ, सीएम के हाथों से इन्हें मिला है नियुक्ति पत्र। कानपुर देहात के शशि तोमर, अयोध्या की स्मृति उपाध्याय व विशाल श्रीवास्तव, गोंडा की शिखा सिंह, गोरखपुर के अभिनय सिंह, लखनऊ की ज्योति रावत और अभय कुमार पांडे, प्रयागराज के अभिषेक तिवारी, मऊ के अभिषेक सिंह, विजय प्रताप सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद नईम, बरेली के संजीव यादव, मिर्जापुर के वीर बहादुर सिंह, संत कबीर के अरुणेश, पीलीभीत के विकास सिंह, गाजीपुर के दीपक कुमार को मिला है। आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण पर रिपोर्ट तलब किया गया है। क्रेडिट कार्ड से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की निगरानी होगी। अर्पणा यादव आज आयोग के उपाध्यक्ष पद को ग्रहण करेंगी। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली बार 4 निजी यात्री रवाना हो गए, जेरम इसकमैंग, स्कॉट पोर्टेट, सारा गिलिस, अन्ना मेनन। तो ये 4 लोग एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पोलारिस जो है डॉन मिशन मंगलवार को लॉन्च हो गया। पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए 1 अरबपति 3 अन्य को स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना किया हुआ। अंतरिक्ष यात्रा का उद्देश्य पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में चहलकदमी करना है। 5 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा से लगभग 1400 किलोमीटर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। 1972 में अमेरिका का अपोलो मून कार्यक्रम के बाद इंसान द्वारा तय की सबसे अधिक अंतरिक्ष यात्री की दूरी होगी। इस मिशन को पिछले महीने लॉन्च किया गया था। और यमुना एक्सप्रेस से जोड़ेंगे, नोएडा जाने से बचें। तो आईटी निदेशक और एसटी सचिव को नोटिस, जाति समीकरण कांग्रेस सतर्क। अब 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, इकाना स्टेडियम करेगा अडानी कप की मेजबानी। बंगला टाइगर से ब्लू आर्मी को रहना होगा सावधान, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। एक ही खाते में न रखें जमा पूंजी, लूट जाएगी सब। यूपी से भाजपा का सफाया होगा, सपा ने कहा सपा अध्यक्ष ने कहा चुनाव में भाजपा हारेगी। हमें सुलझानी पड़ेगी पेंशन की पहेली, राज्य कर्मियों को संपत्ति का विवरण 30 तक देना होगा। किशोरियों में एनीमिया कम करने के लिए सिद्ध होगी दवा। अभ्यर्थी आज से सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो 60,244 पदों भर्ती के लिए लिखित परीक्षा संपन्न करने के बाद पुलिस भर्ती ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को लेकर 11-19 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराएंगे। 23 अगस्त पहली व दूसरी शिफ्ट हुई थी, तो ये 24 अगस्त और ये 31 अगस्त सबका डेट दिया गया, कौन कब आपत्ति करेगा। तो आरंभिक तिथि और अंतिम तिथि, जो 23 अगस्त वाले होंगे 11 सितंबर से 15 सितंबर, 24 वाले 12 से 16, 25 वाले 13 से 17, 30 वाले 14 से 18 और 31 वाले 19। एक सरकार कानून बनाए दूसरी खत्म करे, तो क्या अनिश्चितता पैदा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब से सवाल पूछा। और बात करें 3 महीने में बैंक के खजाने से घट गए हैं 11,669 करोड़ का 10,000। और हाईकोर्ट ने आज समान संस्थाओं को जांच करने का दिया आदेश। तो MBBS में हुई 11,200 सीटें। तो 2017 से पहले संभव नहीं थी पारदर्शी ढंग से भर्तियां, सीएम योगी जी ने कहा। नई भर्तियां शीघ्र आएंगी, योगी जी ने कहा। अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 40,000 भर्तियां, वहीं TGT PGT की भी भर्तियों के लिए 40,000 की बात की जा रही। बेसिक शिक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक, साइबर अपराध से लड़ने को कमांडो होंगे तैयार।
513 मदरसों की मान्यता लौटाई नए को मिलेगा। तो 513 मदरसों ने मान्यता लौटाई, अब नए को मिलेगा ये मान्यता। 8 जिलों के SP तबादला। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आज से होगा वो। योगी सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश 11-13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन का आयोजन कर रहा है। तो प्रदेश में अब सेमीकंडक्टर बनेगी। आपको बता दें कि योगी जी ने भारत को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। आपकी IMEI से दूसरा फ़ोन तो नहीं चल रहा है। अगर आपके IMEI नंबर का कोई यूज करा तो फंस सकते हैं मुश्किल में। पुराने मोबाइल को स्केप में बेचने पर, तो ये देखिए यहाँ पे, पुराने नंबर को मोबाइल को स्केप में बेचने पर IMEI नंबर का हो सकता है दुरुपयोग। मोहम्मद आफ्ताब काल्पनिक नाम है, गया के एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। उनके एक संपर्क के एक लड़के ने उन्हें एक फ़ोन दिया, वे इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक एक दिन उनके नंबर पर किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने बताया पटना के गांधी मैदान थाना से बोल रहे हैं, यह मोबाइल चोरी की है, अगर आप फ़ोन आकर जमा नहीं कराते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आफ्ताब इस बात से डर जाते हैं, उन्होंने जिस लड़के से फ़ोन लिया था यह बात उससे बताते हैं। इस बीच पुलिस की ओर से फ़ोन आने का सिलसिला लगातार जारी था। फिर दोनों गांधी मैदान थाना आते हैं, यहाँ उनकी तरफ से बताया जाता है कि फ़ोन तो उनका है, इसे ना तो कहीं से छीना गया ना कहीं कोई लूटपाट की है। पुलिस यह कहते हुए जब्त कर लेती है कि फ़ोन को कुछ दिन पहले छीना गया था। मोहम्मद अफ्ताब उनके सहयोगी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब दोनों इस बात पर दिखते या फ़ोन उनका है, उन्होंने इसकी चोरी नहीं की। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर से खबर आती है कि यूक्रेनी सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल के IM नंबर बदल कर बेचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है, IM नंबर कहाँ से आता है, कहाँ से और कौन जनरेट कर सकता है? मार्केट में IMEI की रीसाइट तो किया जा सकता है, लेकिन इसे जनरेट नहीं किया जा सकता। जो पहले से जनरेट नंबर वही डेड मोबाइल को एक्टिव करने में यूज हो रहा है। इसी में यह डर है, कहीं आपका फ़ोन का IM नंबर किसी दूसरे फ़ोन में तो नहीं यूज हो रहा है? अगर आपका मोबाइल ख़राब होता है तब सर्विस सेंटर या विश्वसनीय रिपेयरिंग शॉप में ही उसकी सर्विसिंग कराएं। अगर आप किसी मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया है तब उससे स्क्रैप में कभी ना बेचें। अगर आप अपने मोबाइल को किसी को बेचते हैं तब उसका आधिकारिक रिकॉर्ड जरूर रखें। गूगल लोकेशन ट्रैक कर में अपने IM की स्थिति को जांच भी कर सकते हैं। कैसे पता करें IM नंबर? आपके फ़ोन के IM का इस्तेमाल किसी भी दूसरे फ़ोन में हो रहा है तो ये देखिए। पति सावला है, उसके साथ नहीं रहूँगी। यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल वाली दूसरी राज्यपाल बन गई आनंदीबेन पटेल।